हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी जोन कुलदीप सिंह में। आज की वीडियो में हम चैप्टर 2 के बारे में बात कर रहे होंगे, इंग्लिश क्लास 10th का। ठीक है जी, ये वीडियो दो पार्ट में होगी इस चैप्टर की, क्योंकि एक लंबा चैप्टर है तो मैं नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले सिचुएशन और कौन कौन है यहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे, उनकी एक स्पीच है उसके बारे में बात करेंगे, और बाकी बातें हम अगले पार्ट में कर रहे होंगे। तो बढ़ते हैं यार वीडियो की तरफ। ठीक है जी, तो देखो, सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी वॉक किसकी ओर, फ्रीडम की ओर। ये जो है ये इसका लिखने वाले हैं नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन है यार? तो जैसे कि इंडिया के अंदर गांधी जी को माना जाता है, पाकिस्तान के अंदर जिन्ना को माना जाता है, तो हर एक कंट्री के अपने एक फादर हैं, तो उस टाइप से नेल्सन मंडेला जो हैं वो कहाँ, साउथ अफ्रीका यहाँ के जो हैं फादर हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है फ्रीडम दिलाने के लिए अपनी कंट्री को। फ्रीडम कैसे दिलाने के लिए, कि इन्होंने 30 ईयर्स जेल में बिताए हैं। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी यार, 30 ईयर्स जेल में रहना मायने रखता है किसी भी बंदे के लिए। ठीक है, इनकी एक पार्टी है ANC, कांग्रेस, ANC इनकी पार्टी है। तो अब सिचुएशन क्या है कि इन्हें जेल वेल सब हो चुकी है, लेकिन तो इनके ऊपर रूल कर रहे थे, इनके ऊपर वाइट जो थे वो लोग रूल कर रहे थे, या फिर जिन्हें इंग्लिश पीपल्स बोला जाता है वो लोग इनके ऊपर भी रूल कर रहे थे। तो अब उनसे इन्हें आज़ादी मिली है, तो ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। मतलब इस कंट्री में इससे पहले प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन कोई भी ब्लैक प्रेसिडेंट अब तक नहीं बना था। तो नेल्सन मंडेला जो कि बनते हैं अपनी ANC पार्टी से ब्लैक्स के प्रेसिडेंट, आप याद रखें। अब जब प्रेसिडेंट बन गए, भाई हमने कुछ मेहनत करी, हम लोग जीत गए, तो आप क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। तो पार्टी के लिए ये लोग भी पार्टी कर रहे हैं। पार्टी के लिए आप लोगों को दो चीज़ याद रखनी है कि पार्टी कब हो रही है, कहाँ हो रही है। भाई सीधी सी बात है, आप लोगों को मैं कहूँगा कि भाई मेरे घर पार्टी है, तो आप पूछेंगे भैया वेन्यू क्या है और किस तारीख को कर रहे हो, है कि नहीं। अब पार्टी है 10 तारीख को, आप आएंगे 11 तारीख को, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप याद रखें कि वो पारी जो हो रही थी वो कब हो रही थी, वो हो रही थी 10th of May को 1994 में। वेन्यू क्या है, ये यूनियन बिल्डिंग है। ठीक है जी, ये कहाँ पे है, पेरिटोरिया में, पेरिटोरिया। मैं ऐसे क्यों पढ़ता हूँ इन चीज़ों को, ताकि यार याद हो जाए। ठीक है, आप कैसे याद रखें, प्रीटोरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब तो आप लोगों को सिचुएशन समझ आ गई है कि यहाँ पे पार्टी हो रही है, पार्टी इस तारीख को इस जगह पर हो रही है। ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में आपको इतना पता चल गया है कि ये कौन है, ये जैसे कि गांधी जी हैं इंडिया में, ऐसे ही नेल्सन मंडेला हैं, ये ब्लैक्स के लीडर हैं, पहले प्रेसिडेंट हैं जो कि खुद ब्लैक हैं। 30 ईयर्स इन्होंने जेल में रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अब ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो अब ये स्पीच देंगे, भाई कोई भी है भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो स्पीच देते हैं, और ये तीसरे नंबर पे स्पीच दे रहे हैं, इनसे पहले दो लोग और स्पीच दे चुके हैं, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, स्पीच में ये लोग क्या क्या कहते हैं। ठीक है जी, तो स्पीच चालू करते हैं। अब ये जो है स्पीच दे रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि पहले सेलिब्रेट करो। भाई सीधी सी बात है, अब हम जीत गए हैं तो हम सेलिब्रेट करेंगे। मान लो आप बोर्ड के लिए पढ़ाई कर रहे हो, अब आपके बोर्ड में अच्छे से नंबर आएंगे तो आप लोग पार्टी करेंगे ना। हाँ, तो बस ऐसे ही ये भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि अब डार्क फ्री हो चुके हैं, मतलब जो डार्क स्किन वाले लोग हैं, जो काले लोग हैं, वो फ्री हो चुके हैं। अब देखो यार, डिस्क्रिमिनेशन हर जगह है ना, थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हर जगह। जैसे हमारी कंट्री में कास्ट के सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, और रिलीजन के सिस्टम पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब नहीं होता, लेकिन पहले हुआ करता था। ऐसे ही यहाँ भी पहले की बात चल रही है, तो यहाँ पे डार्क स्किन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो डार्क लोग हैं अब वो फ्री हो चुके हैं, अब वो वाइट्स के साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल बन के दिखाएंगे। इन्हें कहा कि हम एग्जाम्पल बन चुके हैं और बन के दिखाएंगे। भाई देखो, आपने अगर फ्रीडम ले लिया है तो आप औरों के लिए एग्जाम्पल बन गए ना। जैसे आप हो, आपका कोई छोटा भाई बहन है, आप लोग पढ़ेंगे मेरी वीडियो देख के, आपके 90 आ जाते हैं, तो आपका छोटे भाई के लिए आप एग्जाम्पल बन गए। अब वो भी आके मेरी वीडियो देखेगा और उसके भी 90 आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस ऐसे ही कि भैया एग्जाम्पल बन चुके हैं आप, कि नाउ वी हैव द पावर टू लीड। क्या जी, इनकी कंट्री में और लोग आके लीड कर रहे हैं। मान लो तुम्हारे घर में कोई बाहर से आता है और रहने लग जाता है, और लीडिंग भी वही कर रहा है,
तो आप उसे भगा देंगे जल्दी से करके, और जैसे ही वो भागे आप क्या कहेंगे, अब हमारे पास दोबारा पावर आ चुकी है, अब हम लीड करेंगे, ये क्या करें, आज से हम लोगों के पास भी पावर होगी। ठीक है जी, अब इन्होंने बता दिया कि आज से हम लोगों के पास भी पावर होगी। अब ये क्या कह रहे हैं, थैंक यू फॉर ऑल, किसको थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू उन लोगों को बोल रहे हैं, जैसे कि आपकी पार्टी होगी तो आप बाहर से गेस्ट को बुलाएंगे, इन्होंने भी गेस्ट को बुलाया है इंटरनेशनल, लेकिन इनका लेवल है यार, ये प्रेसिडेंट है, तो ये इंटरनेशनल गेस्ट को बुला रहे हैं, और जगह प्रेसिडेंट वगैरह भी आए हुए हैं, सबको थैंक यू बोल रहे हैं, इनकी टीम में जितने जितने बंदे थे जिन्होंने इनके साथ मेहनत करी और ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उन सबको थैंक यू बोल रहे हैं। ठीक है, थैंकफुल इंसान को होना चाहिए यार, है ना, हमारे नेचर में थैंकफुलनेस जब कम हो जाती है तो हमें दिक्कतें आनी चालू हो जाती है, तो कोई भी आपकी मदद करता है हम उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, कोई हमारे घर में आ रहा है तो हम उसे भी थैंक यू बोलते हैं कि भाई आइए हमारे यहाँ पार्टी है, तो जो भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो अब ये क्या कह रहे हैं कि हम अब किससे फ्री हो गए हैं, पावर्टी से भी फ्री होना है और सब चीज़ों से। देखो यार, हमारे देश को भी फ्रीडम मिल गई थी बहुत पहले, लेकिन अभी भी हमारे देश में गरीबी है, कुछ और दिक्कतें हैं जिनसे हम लोग ग्रसित हैं, है ना, तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि अब हमें आज़ादी तो मिल गई है लेकिन गरीबी से, भुखमरी से और काफ़ी सारी चीज़ें जिनसे इनकी कंट्री सर्वाइव कर रही होगी, इनसे भी जल्दी से जल्दी फ्री होना है। सही है, आगे बढ़ते हैं, तो अभी कह रहे हैं कि ऐसा कभी दोबारा ना हो पाए, मतलब कह रहे हैं इट नेवर रिपीट अगेन, अपनी स्पीच में इन्होंने क्या बोला आगे कि ये चीज़ कभी भी रिपीट अब हम नहीं होने देंगे। कौन सी चीज़, कि कोई बाहर से दोबारा आए और रूल करने लग जाए, जैसे हमारी कंट्री अब आज़ाद हो चुकी है, तो अब इंडियंस कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे कि कोई बाहर से आए और हम पे रूल दोबारा कर पाए, तो सेम इन्होंने भी ये बात कही है कि अब हम किसी को अपने ऊपर रूल नहीं करने देंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, तो नाउ एवरीवन इज इक्वल, हर कोई अब बराबर है, चाहे वो ब्लैक है चाहे वो वाइट है, ऐसा नहीं, ये नहीं कह रहे कि हम ब्लैक्स जीत चुके हैं तो अब वाइट्स को डोमिनेट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अब चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, सबको बराबर उनके अधिकार दिए जाएंगे, भाई हर इंसान के अधिकार उसे बराबर देने चाहिए, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अब इन्होंने कहा कि आर्मी सब कुछ हमारे साथ हैं, ये इन्होंने कहा भी और शो भी करा, जैसे कि यार आप लोग भी देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ जब भी फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल कैसा, 26 जनवरी टाइप, ऐसा नहीं रिलीजियस फेस्टिवल की बात नहीं कर रहा मैं, नेशनल फेस्टिवल की बात कर रहा हूँ, तो 26 जनवरी है ना, और 15 अगस्त पे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ प्लेन्स हवा में जा रहे होते हैं जो कि अलग अलग रंग छोड़ रहे होते हैं, रेनबो बना रहे होते हैं, या फिर हमारे फ्लैग्स को शो कर रहे होते हैं, या फिर हमारे आर्मी के टैंक्स दिखाए जाते हैं, है ना, परेड वगैरह होती है, तो वो चीज़ क्या शो करती है कि जो हमारी आर्मी है वो हमारे लीडर्स के साथ खड़ी है, है ना, तो इसमें ये भी कह रहे हैं कि हाँ इनकी भी आर्मी इनके लीडर्स के साथ खड़ी है और इनके साथ खड़ी है, इनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर है इनकी आर्मी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, पीपल आर बेस्ट, कि पीपल जो हैं वो अच्छे हैं, मतलब कि इनकी कंट्री के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और उन्हीं की बदौलत आज आज़ादी मिल पाई है। ठीक है भाई, थैंकफुल सबके लिए होना चाहिए ना, एक लीडर ही भी कुछ नहीं है, एक लीडर भी कुछ नहीं है जब तक उसके नीचे के लोग उसकी मानेंगे नहीं, है ना, भाई क्लास टीचर है वो कितना भी अच्छा पढ़ा ले, मैं कितनी भी अच्छी वीडियो बना लूँ, अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, सेम इसमें भी यही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि इन्हें दुख है किसके लिए, बिगनर्स के लिए और जो जो उनके सेक्रीफाइस करें, मतलब कि यार आज़ादी तुरंत नहीं मिल जाती, ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, सालों लग जाती हैं, कई लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनकी ज़िंदगी चली गई, वो बेचारे आज़ादी को नहीं देख पाए, लेकिन उनकी बदौलत हम लोगों को आज़ादी मिल चुकी है, तो ऐसे ही ये भी कह रहे हैं कि इनके साथ इनके टीम मेंबर्स जो कि शहीद हो गए या फिर नहीं रहे किसी भी कारणों से, तो उनके लिए इन्हें दुख है कि अब वो उन्हें ये नहीं बता पाएंगे कि ये लोग आज़ाद हो चुके हैं, अब ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं देख पाए, तो उसका ये दुख जता रहे हैं। ये सारी अच्छी बातें हैं यार कि इन्होंने थैंक यू भी बोला जो इनके साथ घूमने आए हैं, अपने पीपल्स को भी ग्रीट किया, आर्मी को भी ग्रीट किया और अब इन्हें भी बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोगों को भी थैंकफुल नेचर होना चाहिए यार, इन सब चीज़ों से सीखने वाली बातें भी काफ़ी सारी, और मैं नोट्स में जो लिख रखा है ये नोट्स आपकी मदद करते हैं, आपको पॉइंट्स रिमेंबर जल्दी जल्दी हो जाते हैं।
ठीक है। अब इसने कहा है कि नोबडी इज बैड बाय बर्थ सो वी मेक, तो मतलब इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता जन्म से, मतलब कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसे नहीं पता ना यार कि मैं किस रिलीजन में पैदा हुआ हूँ, किस कास्ट में पैदा हुआ हूँ और उसका माइंडसेट क्या है। कुछ माइंडसेट नहीं होता, हम लोग उसका माइंडसेट बना रहे होते हैं। तो सेम इन्होंने भी कहा कि अगर हम माइंडसेट अच्छा बनाएंगे, किसी के अंदर नफरत को नहीं डालेंगे, तो किसी के अंदर नफरत कभी नहीं आएगी। और हम सबको अच्छा बनाना चाहेंगे ताकि ये कंट्री अच्छी हो। भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ब्लैक ही डोमिनेट करने लग जाए वाइट्स को। तो ये हर किसी को इक्वल रखना चाहते हैं और कहते हैं कि सबके अंदर एक अच्छा इंसान होता है, हमें बस उस अच्छे इंसान को बाहर लाने की देर है। तो ये अच्छी अच्छी बातें इन्होंने अपनी स्पीच में कही। और बस इन्होंने कहा कि प्यार हमेशा रहेगा, ठीक है जी, मतलब हम सबके बीच हमेशा प्यार रहना चाहिए और प्यार की एक अलग ही अहमियत होती है, ठीक है जी। तो ये इनकी स्पीच थी। अब बच्चों इसका पार्ट टू भी जल्दी आ रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग खींच सकते हैं, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।